तो अब डर लग रहा है कि यहाँ पे हिली बिली ना आ जाए। जिसने रॉन्ग टर्न देखी है उन्हें पता होगा, जो कैनिबल्स होते हैं जो पकड़ के ले जाते हैं आपको जंगल में खा जाते हैं। सो हम आ गए हैं ब्लिट्स के पास। सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू टू आवर थर्ड ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं और ब्लिट्स देखने, जैसे मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था। एंड आपने काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ में या सीरीज़ में देखा होगा एक पिरामिड, पतला सा पिरामिड टाइप्स होता है, जैसे कि ये एक फेमस वाला है जो यूएसए में है, वाशिंगटन में, एक अर्जेंटीना में है, एक बैटिंग सिटी में है, और एक भाई प्यारा सा छोटा सा हमारे यहाँ बेल्जियम में है। तो आज देखते हैं वहाँ पे, ठीक है चले शुरू करते हैं। तो बेल्जियम में जो है लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है एंड लोग काफ़ी बाहर इधर उधर जा रहे हैं। सो ये यहाँ का एक छोटा स्कूल है, आई मीन नॉट छोटा, इट्स अ स्कूल फॉर द आई थिंक हाई स्कूल टाइप्स है। तो देखो बच्चे जा रहे हैं पढ़ लिखने के बाद। सो आई मिस माई स्कूल डेज वेरी मच। हम स्कूल में होते हैं तो रोते हैं कि कब ख़त्म होगा, जब ख़त्म होता है तब उसकी अहमियत पता चलती है। आज भी देखो जैसे मैंने आपको पहले बोलता, बेल्जियम में हमेशा मोस्टली बारिश रहती है, अभी भी यहाँ पे काफ़ी बारिश टाइप्स है। चलिए सो अभी बस पीछे से एक एम्बुलेंस आई थी। एंड जब मैं पहली बार बेल्जियम आया था एंड द वे आई यूज़ टू सी लाइक हाउ पीपल रिस्पेक्ट द ट्रैफिक रूल्स एंड एस्पेशली जब एम्बुलेंस आती है, दे आर मतलब सबको पता होता है क्या करना है, सब लोग चुपचाप साइड में अपनी गाड़ी लगा लेते हैं जहाँ भी मतलब लगा सकें ताकि एम्बुलेंस जा सके। एंड मैं काफ़ी विश करता हूँ कि काश इंडिया में भी ये चीज़ हो, लोग इस चीज़ के प्रति रेस्पॉन्सिबल बने। पॉपुलेशन ज़्यादा है, व्हीकल्स ज़्यादा हैं, मुश्किल है, बट आई थिंक इफ़ यू ट्राई हार्डर देन एंड बी स्ट्रिक्टर विद द रूल्स इट विल बी ईजी। बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स, क्योंकि किसी की जान लटकी हुई है यार एम्बुलेंस में, और हमारे वहाँ तो कोई भाव ही नहीं देता कि एम्बुलेंस आ रही है, फायर ब्रिगेड आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो। आई थिंक वी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। और जैसे यहाँ पे अब गाड़ियाँ जा रही हैं तो ये देखो वो साइन दिख रहा है आपको, रेडार जोन, तो ऐसे लिख के दिखा देते हैं। और आगे इसका मतलब है कि वहाँ पे रेडार लगा हुआ है जो आपकी स्पीड चेक करेगा, एंड अगर आप ओवर स्पीड हो तो दे विल क्लिक अ पिक्चर ऑफ अ नंबर प्लेट एंड सेंड यू अ फाइन। तो ये होता है ट्रैफिक रेडार जो आपकी फ़ोटो की इस स्पीड चेक करता है। ये एक पुरानी फरारी। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जैसे कि बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ओल्ड है, जो एवरेज एज है वो अराउंड 42 है, जहाँ पे हम इंडिया की कंपेयर करें तो अराउंड 25 है, आई एम नॉट श्योर। सो देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। तो क्या होता है यहाँ पे काफ़ी ओल्ड लोग होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं उन्होंने अपने टाइम में पुरानी ऐसी कार्स खरीदी थी, एंड जो आज के टाइम में विंटेज कार्स हैं काफ़ी, उनको कभी कभी निकलते हैं अपनी गाड़ी निकाल के, भाई मज़ा आ जाता है देख के। सो स्पेशल लेन्स होती हैं बाइसाइकिल की साइड में, जैसे आपको जो वो बंदा जा रहा है, एंड अगर स्पेशल लेन नहीं भी है और साइकिल वाला अगर आपके आगे चल रहा है तो गाड़ी उसको तंग नहीं करती कि भाई चल, मतलब वहाँ हमारे यहाँ हॉर्न मार के वो कर देता है। ये छोटा सा बस स्टॉप। तो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स में क्या है कि दे गिव प्रायोरिटी टू द पर्सन हु हैज़ द लीस्ट पावर। तो अगर अभी मैं पैदल चल रहा हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी रोड पे। और ये देखिए एक छोटी सी लेक, वेरी काम एंड ब्यूटीफुल,
जिसमें बत्तख वगैरह घूमती हैं, दूर हैं बत्तख, वो रही अगर आपको दिख रही, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, विभिन्न प्रकार की बत्तख हैं। धूप निकल चुकी है, थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए जस्ट टू कॉफ द जैकेट, कुछ कह नहीं सकते, पहने या ना पहने, अब सब भगवान के हवाले। तो गाइज ये हमारा मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है व्लॉगिंग करने का, तो इफ़ यू हैव एनी मोर सजेशंस टू गिव टू अस देन यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे छोटी छोटी बत्तखें सो रही हैं लेक के पास, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ये देखा आपने, मैं पास नहीं जा रहा, उन्हें डिस्टर्बेंस होगी, बट पूरा परिवार यहाँ वेट कर रहा है। और ये एक लेक, यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी लेक्स हैं। और वो रहा हमारा कैसल इतनी दूर से, धूप में तो मतलब अलग ही बात होती है। बात क्या है कि मतलब मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो बचपन से ऐसी जगह पर रहूँगी, मतलब हर जगह बिल्डिंगों से घिरा हुआ है, तो इतना खुल्लम खुल्ला जो एक एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपको बहुत अच्छी फीलिंग देता है। इस पेड़ को देखो कितना बड़ा है, सिमंगस, मतलब इसका जो ट्रंक है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे फुटबॉल वाले हो, क्रिकेट वाले हो, यहाँ पे आ जाओ, बैट बॉल लेके खेलते हैं, काफ़ी दिन हो गए यार खेले हुए। यहाँ तो बस कभी कभार थोड़ी बहुत रनिंग हो जाती है, उसके अलावा कुछ खेला नहीं इतने टाइम से, सो इट्स काफ़ी आस है मन के अंदर। ये देखो सब कुछ दूर दूर तक पहुँचो, जिसे गोल्फ आता है आ जाओ, बेस्ट प्लेस टू बी। ये रहा हमारा कैसल, हेलो करो। तो इस कैसल की हिस्ट्री, तो मैं ओब्लिक्स पे आ रहा हूँ, लेकिन अब इस कैसल की हिस्ट्री ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अमीर फैमिली ने खरीद लिया था, उस आदमी का नाम था सोलवे, एंड वो इस कैसल में रहता था यहाँ पे। एंड उस जब वो मतलब लास्ट में मरने वाला था, तो उसकी एक इच्छा थी कि वो एक ओब्लिक्स बनाए, तो उसने उस प्रोजेक्ट को फंड करना स्टार्ट किया, काफ़ी सारे आर्किटेक्ट्स और उन सबको बुलाया। तो ये आप देख सकते हो मेरे पीछे डायरेक्ट कैसल है, और अगर आप डायरेक्ट इसके पीछे देखो तो वो है ओब्लिक्स, वहाँ पे गोल्डन कलर का दिख रहा है, तो इट्स लाइक बिल्कुल कैसल के सामने है, जैसे अपने इंडिया गेट है राष्ट्रपति भवन वैसे। तो अभी हम वहाँ जाएंगे एंड फिर ओब्लिक्स के बारे में बात करते हैं। अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं उसके पास आता जा रहा हूँ ना, एक तो पहली बात यहाँ पे कोई है नहीं, ऊपर से जो एक फीलिंग आ रही है ना कि आगे जाके अभी पेड़ एकदम घेर लेंगे साइड से, एंड वो बहुत ऊंचा भी है, थोड़ा डर लग रहा है, जस्ट किडिंग, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो हम चल रहे हैं पीछे पीछे कहाँ, ओब्लिक्स एंड वहाँ पीछे कैसल, तो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं उसके पास। तो ओब्लिक्स से पहले यहाँ पे एक रोड है, एक इस तरफ जा रही है जो फॉरेस्ट में जा रही है, एक इस तरफ। सो हम आ गए हैं ओब्लिक्स के पास एंड इट्स मैजेस्टिक, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एंड अभी मैं इसके बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, मतलब बात यह है कि मैं इतनी देर से चल रहा हूँ और ख़त्म ही नहीं हो रहा, बहुत देर से चल रहा हूँ मैं, एंड
फाइनली आ चुके हैं हम पास इसके। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, तो ओब्लिस्क ये एक पिरामिड टाइप शेप होती है, जैसे आप देख सकते हो उसके साइड में ट्राइंगल टाइप से ऊपर टॉप है, एंड इसके ऊपर जो है जो एक एडिशन बेल्जियन स्टाइल एडिशन जो किया है वो एक सन डायल है। एंड अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि उस बंदे ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं एक ओब्लिस्क बनाऊँ, तो उन्होंने एक ओब्लिस्क बनाया यहाँ पे। एंड उसके बाद क्या हुआ, वो पहले अपने वो रात कैसल देख सकते हो, यस, तो वो पहले अपने कैसल में वहाँ पे रहते थे ईस्ट विंग में, और उन्हें क्या था सुबह सुबह जब सूरज निकलता था, जैसे मैं बचपन में जीके में सीखा है सनराइजेस इन द ईस्ट, तो क्या वो ईस्ट विंग में रहते थे अपने कैसल के, अपने घर के, एंड वहाँ से सुबह सुबह उन्हें सूरज की रोशनी मतलब जब आती थी खुश होते थे, उन्हें अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, जब लास्ट के कुछ ईयर्स में जब उनकी डेथ होने वाली थी, वो काफ़ी बीमार हो गए थे, तो उन्होंने अपना जो बेडरूम था वो शिफ्ट करके वेस्ट विंग में कर लिया था। अब क्या हुआ कि वेस्ट विंग में सूरज की कोई रोशनी आ नहीं रही, तो उन्होंने इस ओब्लिस्क में ये एडिशन किया कि इसके ऊपर उन्होंने एक सनडायल लगाया। एंड ये कोई ऐसा वैसा सनडायल नहीं है, इसकी खासियत ये है कि इस पे जब सुबह सुबह सूरज की रोशनी पड़ती है तो डायरेक्ट आपको कैसल के वेस्ट विंग में उनको रोशनी पहुँचती थी। तो दैट्स द कम्प्लीट हिस्ट्री। तो मतलब बंदे ने कितना दिमाग लगाया, उस टाइम के इंजीनियर्स ने कितना दिमाग लगाया, तब जाके ऐसी चीज़ बनी है। एंड आई थिंक तभी उन्होंने मतलब पेड़ों को मतलब साइड साइड में रखा है, एंड इट्स काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रॉड एरिया उन्होंने एक छोड़ रखा है बीच में से खाली, ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो आ गए हम बिल्कुल पास। मतलब उस टाइम पे उनका एम था इसे गोल्डन वो करना, आई मीन ऑब्वियसली उन्होंने किया होगा, बट टाइम के साथ इट हैज़ बीन डैमेज्ड। ओ वाओ, इसके पीछे एक वो भी है सीडी, इट्स लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड, एंड आई थिंक ये इसीलिए है ताकि ऊपर जाके सनडायल को कभी कभी चेक किया जा सकते है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ब्यूटिफुल। फिर यहाँ पे एक गुप्त सीढ़ी है, तो अब डर लग रहा है कि यहाँ पे हिली बिली ना आ जाए, जिसने रॉन्ग टर्न देखी है उन्हें पता होगा, जो कैनिबल्स होते हैं जो पकड़ के ले जाते हैं आपको अपने जंगल में खा जाते हैं। नाइस, ब्यूटीफुल। आई होप आपको हमारा ये थर्ड ब्लॉग पसंद आया होगा, ओब्लिस्क के बारे में जानकर, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकर। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड हमारी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हेल्पिंग। बाय।